हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आज फिर आपका एक न्यू ब्लॉग में। आई होप कि गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पाँचवीं क्लास या छठी क्लास में पढ़ते हैं। तो गाइस उसका एक किला है जहाँ पर उन्होंने शासन किया है। तो आपको एक बार मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जिसका जन्म 1166 में हुआ था, और इन्होंने भारत के उत्तरी राज्य में गुजरात और अजमेर में इन्होंने अपना शासन किया है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे और नेक दिन के व्यक्ति थे। तो उनका एक किला है हांसी के अंदर। तो गाइज अब आज हम पहुँचे हैं गांव हांसी के अंदर, और हम आपको दिखाएं कि हांसी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान का किला है वो कैसा है। तो चलो गाइज चलते हैं। गाइज ये एक यहाँ पर बना हुआ है, क्या है हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आपको जोधपुर इसका दृश्य अंदर से दिखा देते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान ने जो अपने लिए गुप्त जो कमरे कह सकते हो आप, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, वो बनवाए हुए थे। तो मैं अब आपको है जो उसका चारों तरफ का घूमकर दृश्य दिखा देता। जहरवीर और पृथ्वीराज चौहान को किया जो यहाँ पर दोक मारी जाती है, आप देख रहे होंगे। अभी जो हम अंदर आ गए हैं, आपको जो मैं यहाँ के ऊपर अंदर की दृश्य है जो यहाँ पर दिखा देते, तो कितना ज़्यादा अंधेरा है, कह सकते हैं कि हम यहाँ पर गुफा की एक तरह बना हुआ है। गाइस आज भी यहाँ पर एक बात तो देखने की, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए इसको। तो मैं एक बार इसका है जो आपको बाहर का और अंदर का सारा का जो दृश्य दिखा देता हूँ, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। रहे हो गए ये है पृथ्वीराज चौहान की है जो मस्जिद कह सकते हैं, हम मस्जिद कह लो या पीर कह लो, आप जो भी कह सकते हो। यहाँ पर है जो तीन से चार स्थान देखने के लिए, चार पांच चीज़ें हैं जो यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान का कुआं है वो भी है, और जो घोड़े के पैर हैं वो भी है। तो अब हम आपको वो दृश्य दिखाएँगे। अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखा है जो पुराने टाइम की मंदिर होते थे, और वहाँ जो उसकी लोहे का क्वार्ड आप कह सकते हो, और कितनी पुरानी पुरानी तरह से ईंटें हैं। हमने तो हालांकि अभी पहली बार देखी है, क्योंकि हमारे जो पहले थे हमें तो ऐसे इसके कुछ बारे में पता नहीं था। तो आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो मस्जिद है, मैं आपको अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनसे है जो दिखाऊँगा कैसी कैसी नहीं। अभी हम जो है इसके अंदर जाएंगे।
गाइस हमने जो है यहाँ पर एक मार लिया, देख सकते हो मेरे पीछे में जो मूर्ति बनी हुई है, तो हमने ऊपर में पीछे का सारा दृश्य दिखा देता हूँ आपको कैसा है कैसा नहीं। हमने जो आपको बाबा जी की जो मस्जिद दिखा दी है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जी यहाँ पर जो कुआ कहा गया है कि यहाँ पर एक कुआ भी है देखने के लिए, तो अभी हम जो वही देखेंगे। और यहाँ पर एक मूर्ति और दिखाई दी है श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, ये स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। तो अभी हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर देखने की हैं। गाइज बहुत पुरानी है ये, यहाँ पर ना दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, हर दिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। हालांकि आज तो कुछ नहीं है, लेकिन सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो ऐसे ही नहीं थे, बहुत ही महान और बहुत ही महापुरुष जो कह सकते हम राजा थे। उन्होंने भी काफ़ी है जो हमें संघर्ष किया है, और अब और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने भारत के उत्तरी राज्य में अजमेर और राजस्थान दिल्ली इन सभी राज्यों पर उन्होंने अपना राज किया है, शासन किया है। और उन्होंने घोड़े और हिंदू का काफ़ी शौक था, काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास हिंदू खेत थे, घोड़े थे, बहुत ज़्यादा थे। तो अब मैं आपको उसका जो कुआ वो दिखा देता हूँ कैसा है उसका कुआ, और मैंने आपको जो उसके पैर दिखाई दिए हैं घोड़े के पैर हैं जो उसके दर्शन आपको करा दिए थे। वैसे अगर आपको पीछे की तस्वीर दिख रही होगी तो ये हंसी जिला है, और उसकी फोटो दिखाई दे रही होगी, उनके घर उनके मकान, आप कह सकते हो कि यहाँ तक कि आप कह सकते हो क्वार्टर दिखाई दे रहे होगी। गाइस काफ़ी ऊंचाई पे है ये, आपको दिख रहा होगा कितनी ऊंचाई पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पर। गाइज ये है हांसी शहर, देख लो गाइज हांसी शहर से इतनी ऊंचाई पर है जो हमें चढ़ना पड़ता है पृथ्वीराज चौहान के किले को देखने के लिए। तो गाइज जहां तक आपकी नज़र जा रही है और जहां तक मेरी नज़र जा रही है, ये हांसी शहर है जो पृथ्वीराज चौहान से के किले से नीचे की तरफ है, और जो पृथ्वीराज चौहान का किला है वो हांसी के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर है। तो अब देख सकते हो गाइज ये हांसी शहर है। मैं आपको एक बार जो दूर की फोटो और दिखा देता हूँ जो पृथ्वीराज चौहान है उसका किला है। तो गाइज यहाँ पर जो साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जो अपना कार्य कराएं, और यहाँ पर जो इसकी साफ सफाई कराकर यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं, ताकि बाहर से कोई देखने आए तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़े। तो ठीक है गाइज आप देख रहे होगे ये हांसी शहर है। तो गाइज आज का ब्लॉग था मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैंने जो आपको पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था 1161 में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका जन्म हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान को आपको पता ही है कि तलवार और बंदूकें का काफ़ी शौक था, यहाँ तक कि उनके घोड़े भी जो काफ़ी ज़्यादा थे। तो गाइज आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग है जो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम और वीडियो डालें तो आपके पास आ सके। तो ठीक है गाइज कल फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।